वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखी लिया होगा, RO PCS BO 2024 के लिए और RO 2023 के लिए जो फरवरी में होने वाला है 2024 में, उसके लिए इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट रहने वाला है ये, ठीक है। इसको आप देखिए, ये जो सेशन है आपका ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा साथियों। किसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा? RO के लिए, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं PCS 2024 के लिए, या फिर आप तैयारी कर रहे हो BEO 2024 के लिए, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है BEO की, तो उन सब के लिए समान रूप से उपयोगी है। अच्छे से इसको देखना है और देखो, ना केवल इन सवालों को देखना है बल्कि इसके जो ऑप्शन है उनकी जो एक्सप्लेनेशन है उनको भी बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि वहां से पेपर में आने के चांस रहते हैं। तो चलिए बिना ज़्यादा बातें किए सीधे सीधे टॉपिक पर लौटते हैं, ठीक है भाई। इससे पहले की क्लास में हमने, मुझे याद है, 44 तक हमने डिस्कस कर लिया था, अभी हम 45 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। चलिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं RO के, ठीक है। प्रश्न नंबर पहला देखिए, प्रश्न नंबर पहला है साथियों, इनमें आपको इनको क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। इनको क्रोनोलॉजी के क्रम में सजाना है, कौन सी चीज़ कब बनी है ये आपको बताना है। देखो, पहला तो ये सवाल अपने आप में टफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोर हिस्ट्री का सवाल है, मॉडर्न इंडिया से है। तो अगर आपने भारत में जो वाणिज्यिक गतिविधियां हैं, जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, उनको पढ़ा है तो ही आप इसे कर पाओगे, वरना ये होगा नहीं। अच्छा लेवल का सवाल है, RO 2021 में पूछे गए प्रश्न हैं ये, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको फिलहाल। देखो भाई, पहला है ऑप्शन इसमें भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास। देखो, भारतीयों के द्वारा साथियों जो चीनी उद्योग का विकास हुआ है, ये हुआ है 1931 में, ठीक, 1931 में। दूसरा, रिशड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ। रिशड़ा जो है साथियों ये पड़ता है बंगाल में, और बंगाल का जो क्षेत्र है ये जूट के लिए फेमस है, अभी भी फेमस है और उस समय में भी फेमस था। तो रिशड़ा में जो पहली जूट मिल लगी है, ये लगी है 1855 में। तीसरा देखिए, भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन, भारत में स्टील उद्योग की जो स्टार्टिंग है साथियों ये हुई है 1907 में, ठीक है, जमशेदपुर में पहला स्टील कारखाना लगा। और बम्बई में पहला कपड़ा मिल की स्टार्टिंग कब हुई है ये आपको बताना है, ये हुई है 1854 में। अब इसको आपको जो है क्रम से सेट करना है, सबसे पहला कौन सा आया है, फिर कौन सा आया है, तो इसको आप जो है आसानी से अब तो कर ही ले जाओगे। खैर देखो, सबसे पहले नंबर पर क्या आएगा, सबसे पहले नंबर पर आएगा बम्बई में पहली कपड़ा मिल 1854, दूसरे नंबर पर जूट मिल आ जाएगी 1855 में, तीसरे नंबर पर यही आ जाएगा स्टील वाला, और चौथे नंबर पर आ जाएगा चीनी उद्योग वाला। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा, 4-2-3-1, 4-2-3-1 हमें मिल रहा है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल। अब यहाँ पर देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, इसका जो है हमें सही मिलान करना है। चलिए देखते हैं जरा, सूची फर्स्ट सूची सेकंड। देखो, इनमें एक तरफ दिए हुए हैं ये है खनिज, ठीक है, और एक तरफ दिए हुए हैं उद्योग जिनमें ये खनिज इस्तेमाल होते हैं। तो देखिए, चूना पत्थर जो है साथियों इसका इस्तेमाल सीमेंट उद्योग में होता है, बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत नहीं। तांबा की हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर का यूज़ होता है बिजली के उपकरण बनाने में, ठीक है।
वैसे तो बिजली के सबसे बढ़िया उपकरण चांदी के बनेंगे, लेकिन चांदी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आसानी से उपलब्ध हो, महंगी भी है। तो अगर आप कोई पंखा ऐसा लेते हो जो चांदी का बना हुआ है, ऐसा पंखा क्यों लोगे? क्योंकि चांदी से बना हुआ पंखा, मतलब ऐसा नहीं कि बाहर से चांदी से बना हुआ है, हम बात कर रहे हैं उसके अंदर जो मोटर में वाइंडिंग है वो। तो अगर मोटर की वाइंडिंग आप तांबे की जगह चांदी से करोगे तो वो मोटर बहुत अच्छी चलेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि चांदी के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, उसमें जो है विद्युत बहुत आसानी से गमन एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर सकते हैं। लेकिन चांदी महंगी है तो पंखा बहुत महंगा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? तांबे का। तांबे के फ्री इलेक्ट्रॉन जो है चांदी के बाद सेकंड नंबर पे आते हैं और उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से फ्लो कर सकती है, इस वजह से हम लोग तांबे का यूज़ करते हैं। बॉक्साइट का इस्तेमाल हवाई जहाज़ के बनाने में होता है, बिल्कुल सही है। और मैंगनीज़ का इस्तेमाल जो है स्टील उद्योग में होता है, ये भी सही है। यानी ये सभी के सभी एकदम सही तरीके से लगे हुए हैं, यानी इसका यही जवाब हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ठीक है, चलिए। तो इसमें जो है ज़्यादा कुछ हमें मिलाना नहीं पड़ा, इसी से काम हो गया। ऑप्शन इसमें देख लो, ऑप्शन जो है पहला ही सही हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आया है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? इन्हें कहते हैं फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या है? देखिए, फॉसिल फ्यूल ऐसे फ्यूल होते हैं जो जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के द्वारा निर्मित है। एग्जाम्पल के लिए पेट्रोलियम। जब हम पेट्रोलियम कहते हैं तो पेट्रोलियम में ना केवल पेट्रोल, डीजल, कोयला, इसके अलावा कैरोसिन, पेट्रोलियम जैली, ये सब जो है शामिल होते हैं। ठीक है, और ये एक सीमित मात्रा में है। अब पेट्रोल अगर आप ही सारा का सारा खर्च कर दोगे तो भविष्य की पीढ़ी के लिए क्या बचेगा? इसीलिए ये जीवाश्म ईंधन है और सीमित मात्रा में है, इनका इस्तेमाल बड़ा हमें सोच समझ के करना चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें साथियों कि जीवाश्म ईंधन के बाद ऊर्जा की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स क्या है, तो इसका जो जवाब होगा वो ये होगा साथियों कि अगर हम पेट्रोलियम के बाद बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो आज के समय में इस्तेमाल कर रहे हैं वो है सौर ऊर्जा, सोलार एनर्जी। सेकंड इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारे एनर्जी का जीवाश्म ईंधन के बाद। ठीक है, आगे देखो, आगे है, इनमें से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? ठीक, ऑप्शन ए मिलाई, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी भद्रावती। तो साथियों ध्यान रखना, ये सारे के सारे जो है किसी ना किसी नदी पर हैं, बट एक इनमें ऐसा है जो किसी नदी पर नहीं है, और वो जो है वो है साथियों भिलाई। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भिलाई। आगे बढ़ते हैं, अगला है, समुद्री चक्रवाती तूफान तोक्ते किस सागर में उत्पन्न हुआ था? ये देखिए, ये उस समय के करंट के हिसाब से है, 2021 में जब ये पेपर हुआ था तो उस समय ये तूफान आया था तोक्ते नाम का, तो उस समय के हिसाब से है ये। बट यहाँ पर चलिए अब आ गया है तो इसका आंसर हम कर लेते हैं। तोक्ते जो चक्रवाती तूफान है साथियों, ये उत्पन्न हुआ था अरब सागर। ठीक, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, बस बताना चाहो तो बता सकते हो कि ये जो नाम है तोक्ते ये किस देश ने दिया। ठीक है, चल अगला प्रश्न देखिए, अगला यहां पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र, मतलब एक तरफ फसल दी हुई है और एक तरफ दिए हुए हैं क्षेत्र, और आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत जो है मैच इसमें हो गया है, ये आपको बताना है। देखो, पहला है रबड़, क्षेत्र दे रखा है थाईलैंड। दूसरा है कहवा, क्षेत्र दे रखा है मंगोलिया। फिर है जैतून, क्षेत्र दे रखा है स्पेन। और फिर है गन्ना, क्षेत्र दे रखा है ब्राज़ील। चलिए, अब इनमें आपको सही सुमेलित नहीं है वो पहचानना है। देखो, चलिए
देखो भाई, रबड़ थाईलैंड में होती है, बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं। जैतून की खेती बड़े पैमाने पे स्पेन में होती है, बिल्कुल सही है। गन्ने की खेती ब्राज़ील में होती है, भारत में भी होती है, पाकिस्तान में भी बड़े पैमाने पे होती है, ठीक है। इसके अलावा बांग्लादेश में भी होती है, लेकिन यहाँ पर ये जो दिया हुआ है कहवा, कहवा की खेती बड़े पैमाने पे मंगोलिया में नहीं होती साथियों, कहवा की खेती होती है कहाँ पर? ब्राज़ील में, ठीक है। कहवा कुछ और नहीं है, ये कॉफ़ी है, ठीक। तो कुछ और चीज़ नहीं है, ये कॉफ़ी है, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भाई, इसमें निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है यूएसए। तो ये आपको बताना है। देखिए, तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों, वो होगा भाई, विश्व में अगर हम चीन की बात करें तो चीन एक ऐसा देश है साथियों, जिसकी अपनी खुद की आवश्यकताएं इतनी ज़्यादा है कि वह अपने संसाधनों का तो प्रयोग करता ही है, इसके अलावा अपने आस पड़ोसी जो देश हैं उनके भी संसाधनों का प्रयोग कर लेता है। जैसे अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ने क्या किया है, चाइना में नॉनवेज बहुत खाया जाता है, खासकर मछलियाँ। तो मछलियाँ उन्होंने क्या किया है, अपने समुद्र में तो जो मछली है उसको पकड़ते ही हैं वो, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने आस पड़ोसी देश जो उनके प्रभाव में है जैसे पाकिस्तान, वहाँ पर भी जा कर के उनके बड़े बड़े जो है टैंक होते हैं, फिश टैंक होते हैं जहाज में, उनके माध्यम से जाकर के वो पाकिस्तान में भी जाकर के मछली पकड़ते हैं और वहाँ की मछलियों को भी अपने लोगों के लिए उपलब्ध करवाते हैं। तो चाइना एक ऐसा देश है जो अपने ही अपनी संसाधनों का तो प्रयोग करता ही है, लेकिन जो देश उसके प्रभाव में है उनके भी संसाधनों का प्रयोग कर लेता है और इसकी मार खाता है पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब क्या होगा, चीन। अब इनका भी अपना रीज़न है भाई, आबादी इतनी ज़्यादा है, खिलाओगे क्या, तो फिर करना तो पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल वैद्युत से प्राप्त होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है। और इस सवाल का जो सही जवाब है, चलिए देखते हैं कि कौन सा ऐसा देश है जिसने अपनी कुल वैद्युत आवश्यकता का, मतलब कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जो है वो प्राप्त कर लिया है जल वैद्युत से। जल वैद्युत मतलब हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी, बांध के द्वारा जो हम बिजली बनाते हैं उसे कहते हैं जल वैद्युत। तो इसका जो सही जवाब है साथियों, ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही जवाब है नॉर्वे। नॉर्वे एक ऐसा देश है जो एक तो बहुत ही खूबसूरत है, दूसरा नॉर्वे में जो आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है उसका 99% जब वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से प्राप्त कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो ऊर्जा उत्पन्न करने में जो पॉल्यूशन हो रहा है वो भी ना के बराबर है। तो इस तरीके से वो नेचर में भी योगदान दे रहा है। दूसरा, नॉर्वे उन देशों में से है, यूरोपियन देशों में से, यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति है, बहुत ज़्यादा है ना, युद्ध वगैरह में आपने कभी नहीं सुना होगा। और तो और, जो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, इसी ओस्लो में ही तो शांति का नोबेल प्राइज दिया जाता है, ओस्लो में ही तो हम शांति का नोबेल पुरस्कार देते हैं, है ना, तो याद रखना, ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। अच्छा सवाल है, मतलब हो सकता है आप इसे पहली बार देख रहे हो। ऑप्शन ए क्यूबा, जावा, सुलावेसी और डी पर है मिंडानाओ।
चलिए देखते हैं इसका जवाब। साथियों, इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन डी, मिंडानाओ। मिंडानाओ को कहा जाता है वादे की भूमि। और अगर हम मिंडानाओ की बात करें तो मिंडानाओ कहाँ पड़ेगा, तो ये पड़ेगा साथियों, याद रखना, ये पड़ेगा फिलीपींस में। ठीक है, मिंडानाओ जो द्वीप है ये किस देश के अधीन है, ये वर्तमान समय में फिलीपींस के अधीन आता है, ध्यान रखना। एक इसमें और इम्पॉर्टेंट जो है आइलैंड है जिसका नाम है क्यूबा। साथियों, क्यूबा की हम बात करें तो क्यूबा एक ऐसा देश है जो जस्ट अमेरिका की नाक के नीचे मौजूद है। कभी आप मैप देखना तो आपको अमेरिका के जस्ट नीचे जो मध्य अमेरिका वाला रीजन मिलता है, वहीं पर आपको एक छोटा सा देश मिलेगा क्यूबा। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि क्यूबा एक ऐसा देश है जिसका अमेरिका से 36 का आंकड़ा है, और क्यूबा ने कभी भी अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके। मतलब इतना छोटा सा देश है जो अमेरिका से डरता नहीं है, ठीक है। और वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा अमेरिका से लोगों के मन में घृणा है कहीं ना कहीं, और इस तरीके का देश है क्यूबा जो अमेरिका से बिल्कुल नहीं डरता और अमेरिका के जस्ट नीचे ही है। और क्यूबा की एक चीज़ बहुत फेमस है और वो है क्यूबा के सिगार। ठीक है, तो ये हुआ इसका जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, ज्योग्राफी का थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, अच्छे से ज्योग्राफी पढ़िए तभी आप कर पाएंगे। इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता, ठीक, ये आपको बताना है। तो देखिए, इनमें से तीन देश ऐसे हैं जिनके साथ यह भूमि साझा करता है। कौन कौन से हैं? पापुआ न्यू गिनी है, इसके साथ भूमि साझा करता है, ध्यान रखना, इसके साथ भूमि साझा करेगा। मलेशिया के साथ भी भूमि साझा करेगा, तिमोर लेस्ते के साथ भी भूमि साझा करेगा, लेकिन ब्रुनेई के साथ ये भूमि साझा नहीं करता। तो यही पूछा है कि किसके साथ भूमि साझा नहीं करता, तो इसका जवाब हो जाएगा ब्रुनेई, ठीक। इसके अलावा अगर हम इसकी वाटर बाउंड्री की बात करें तो फिलीपींस के साथ भी इसकी वाटर बाउंड्री है, इंडोनेशिया की, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है। इवन इंडोनेशिया की भारत, मतलब इंडोनेशिया की जो वाटर बाउंड्री है वो भारत के साथ भी है, अंडमान निकोबार के साथ जो है इसकी वाटर बाउंड्री है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अंडमान निकोबार, लिख देता हूं यहां पे, अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में एक चैनल है, और इस चैनल को हम लोग कहते हैं, ये एक चैनल है, इस चैनल को कहा जाता है ग्रेट चैनल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया के बीच ग्रेट चैनल मौजूद है। हमारे एक सर है, वर्तमान समय में बेसिक में अध्यापक हैं, वो अक्सर करके मुझसे एक सवाल पूछते थे, उन्होंने काम भी किया है मेरे साथ। मैं जब भी उनसे मिलता था मुझसे कहते थे, सर आप GS पढ़ाते हो? मैंने हाँ। वो मुझसे पूछते थे, ठीक है आप GS पढ़ाते हो तो एक सवाल का जवाब दो। मैंने, क्या सवाल है? वो कहते थे, बताओ ऐसा कौन सा देश है जिसकी राजधानी बंदर सेरी है। मुझे नहीं पता उन सर का बंदरों से क्या लगाव था, मतलब बहुत ज़्यादा, लेकिन वो मुझसे कहते थे, बताओ किसकी राजधानी बंदर सेरी है। स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था, अब GS के मास्टर हैं, इसका ये थोड़ी सब जानते हैं, लेकिन फिर उन्होंने ज़्यादा कहा तो मैंने ढूंढा, और तब मुझे पता चला कि ब्रुनेई की राजधानी है साथियों बंदर सेरी। ये वीडियो मैं उन्हें ज़रूर शेयर करूँगा और बताऊंगा, सर मैंने पता कर लिया है बंदर सेरी किसकी राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है, पॉलिनेशिया का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है टोंगा, तुवालु, ताहिती और तीनियन, ये हैं। देखिए, अगर हम पॉलिनेशिया की बात करें, ठीक, तो पॉलिनेशिया जो है ये आपको कहाँ मिलेगा, थोड़ा सा देखते हैं। चलिए, अगर हम बात करें पॉलिनेशिया की, तो पॉलिनेशिया जो है कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा पैसिफिक ओशन में, यानी ये प्रशांत महासागर में स्थित एक जो है क्षेत्र है।
ऑस्ट्रेलिया के निकटवर्ती हैं ये, चाहे पॉलिनेशिया की बात करें, चाहे माइक्रोनेशिया की बात करें, चाहे मेलानेशिया की बात करें, ये सब द्वीप समूह है। अब चूंकि पॉलिनेशिया की बात कर रहा है तो देखिए, पॉलिनेशिया में तुवालू भी शामिल है, ताहिती भी शामिल है और टोंगा भी शामिल है। इसके अलावा पॉलिनेशिया में और भी क्षेत्र शामिल हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको पता होने चाहिए। जैसे पॉलिनेशिया में ही शामिल है हवाई, हवाई द्वीप, ध्यान रखना। इसके अलावा क्रिसमस, ये पेपर में पूछा गया है, अभी क्रिसमस आने वाला है 25 तारीख को, तो फिर आप याद रखना क्रिसमस आइलैंड कहाँ पर है, पॉलिनेशिया में ही शामिल है। इसके अलावा तुवालू मैंने बता ही दिया, इसके अलावा एक और है समोआ, समोआ भी इसी के अंतर्गत आता है, पॉलिनेशिया के अंतर्गत ही समोआ भी आता है। तो तीन ये हो गए, ठीक है। अब इनमें ये जो आपको दिख रहा है ये पॉलिनेशिया में शामिल नहीं है। अगर हम तिनियान की बात करें तो ये पॉलिनेशिया में शामिल नहीं है। फिर ये किसमें शामिल है भैया, तो ये आता है मारियाना द्वीप समूह में, याद रखना मारियाना, ये किसमें शामिल है, मारियाना द्वीप समूह में, ये मारियाना द्वीप समूह के अंतर्गत आता है, ठीक है। मारियाना द्वीप समूह में ही मौजूद है दुनिया का सबसे गहरा स्थान, जिसका नाम है डीप चैलेंजर गर्त, या जिसे मारियाना ट्रेंच के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है, ठीक। देखो एक तरफ देश दिए हुए हैं, एक तरफ राजधानी दी हुई है, और आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो पहला सही सुमेलित है एंटीगुआ और बारबुडा की राजधानी सेंट जॉन्स है, बिल्कुल सही है। एल सेल्वाडोर की राजधानी सैन सेल्वाडोर है, ये भी सही है। बहामास की राजधानी नासाऊ है, ये भी सही है। लेकिन डोमिनिका की राजधानी सेंटो डोमिंगो नहीं है, याद रखेंगे। इसकी जो राजधानी है वो है रोसेऊ, ध्यान रखना। इसकी राजधानी क्या है, रोसेऊ, ठीक है। इसकी राजधानी सेंटो डोमिंगो नहीं है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखना, नोट कर लेना भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसको पढ़ो और फिर मुझे बताओ। कौन सा कथन इनमें से असत्य है, देखो भारत के बारे में है तो बिल्कुल आपको इसे करना चाहिए। देखिए भाई,